अगर शादी भी वो शादी कर देगा तो उसकी पत्नी को मैं वो गहने उपहार में दूंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम अपनी सारी वसीयत करने वाली बुजुर्ग महिला पुष्पा मुंजियाल इन दिनों काफी चर्चा में है। इस खबर के वायरल होने के बाद हर कोई उनके बारे में जानने को उत्सुक है कि वह महिला कहां रहती हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आइए जानते हैं पुष्पा मुंजियाल के कुछ अनकहे किस्से। देहरादून के नेहरू रोड स्थित प्रेम धाम वृद्धाश्रम में रहने वाली पुष्पा अविवाहित है। माता पिता के निधन के बाद पुष्पा प्रेम धाम वृद्धाश्रम में रहने आ गई और 23 सालों से वो वहीं रहती हैं। आपको बता दें कि खुड़बुड़ा स्थित गुरु नानक इंटर कॉलेज में शिक्षिका रही पुष्पा साल 1999 में सेवानिवृत्त हुई थी। समाज सेवा उनका ध्येय रहा, इसी कारण उन्होंने शादी भी नहीं की। आपको बता दें कि पुष्पा के पास संपत्ति में 50 लाख की FD और 10 तोला सोना भी शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रभावित होकर पुष्पा ने अपनी सारी संपत्ति का वारिस बनाया है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश की आजादी से लेकर आज तक हमेशा आगे बढ़कर देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी है। बता दें कि पुष्पा ने पिछले 9 सालों से जो भी बैंक में FD कराई है उसमें नॉमिनेशन में राहुल गांधी का नाम पहले से ही डलवाया हुआ है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह का कोई भी दान किया हो। रिटायर होने के बाद साल 2011 में उन्होंने अपनी बचत में से 25 लाख रुपए दून अस्पताल को दान किए थे, लेकिन वो अस्पताल के बर्ताव से खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हिट।